Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड क्लासेस क्या होते हैं, उनको हम लोग कैसे यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. सो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट क्या होता है. सो बेसिकली पब्लिक कोई आप सोचिए, आपको लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको कोई बात है जो आप सबको बताना चाहते हैं, तो आप वो लोगों को मैसेज करके वो बात बता सकते हैं, अपने कांटेक्ट करके कॉल करके. तो अगर कोई चीज या कोई बात जो आप सबको बताना चाहते हैं तो आप वो बात पब्लिक करना चाहते हैं, तो बेसिकली कोई चीज जो आप सबको बताना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड पब्लिक. आप आफ्टर दैट प्रोटेक्टेड क्या होता है? प्रोटेक्टेड वो चीज होती है कि जो आप ऐसी कोई बात या ऐसा कोई मैसेज जो आप सिर्फ खुद और अपनी फैमिली को बताना चाहते हैं, जो आप अपनी फैमिली को बताना चाहते हैं या सिर्फ खुद खुद के बीच रखना चाहते हैं, वो ऐसी बात या कोई ऐसा मैसेज कहलाता है प्रोटेक्टेड. और आफ्टर दैट फाइनली आता है प्राइवेट मैसेज, आई मीन प्राइवेट क्लासेस. सो बेसिकली प्राइवेट क्लासेस का ये मतलब है कि अगर कोई मैसेज है या कोई बात है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो आप बात आप सिर्फ खुद तक रखना चाहते हैं, तो वो होती है प्राइवेट. सो आई होप आपको पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट नॉर्मल लैंग्वेज में समझ में आया होगा कि ये क्या होता है. अब मैं आपको बताती हूँ कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट क्लासेस में क्या होता है. सो बेसिकली पब्लिक जो क्लासेस में होता है, अगर कोई आपका वेरिएबल है वो पब्लिक है, तो आपकी जो क्लास है या आप उसको अपने कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आप उसको इसी में यूज करें, आप उसको वेरिएबल को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. आफ्टर दैट आती है प्रोटेक्टेड क्लास. अब प्रोटेक्टेड क्लास वो होती है, अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है तो सबसे पहले हम लोग प्रोटेक्टेड वेरिएबल जो होता है वो सिंपली अंडर स्कोर से बनाते हैं. जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, ये जो फर्स्ट है नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ये प्राइवेट, ये पब्लिक है. आफ्टर दैट ये जो सिंगल अंडर स्कोर और ये PROT, मैंने ये जो यहाँ पे सिंगल अंडर स्कोर लगाया है, इसका मतलब है कि आपका जो ये वेरिएबल है वो प्रोटेक्टेड है. अब प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स जो होते हैं वो सब क्लासेस और क्लासेस में यूज हो सकते हैं, जिसको मतलब हम लोग चाइल्ड क्लास भी कहते हैं. तो जो आपके प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स होते हैं वो आप अपने सब क्लासेस में यूज कर सकते हैं. अब आता है प्राइवेट. प्राइवेट वेरिएबल अगर हमको बनाना होता है तो हम लोग उसमें डबल अंडर स्कोर लगाते हैं, उसके आगे उसके वेरिएबल का नेम लिखते हैं. तो ये डिनोट, ये आप कह सकते हैं कि ये एक तरीका होता है प्राइवेट क्लासेस लिखने का, कि डबल प्राइवेट वेरिएबल्स बनाने का. आप डबल अंडर स्कोर लगाते हैं और फिर अपना वेरिएबल लिखते हैं. तो जो आपका प्राइवेट वेरिएबल होता है वो आपकी जो क्लास जिसके अंदर आपने उस वेरिएबल को डिक्लेयर करा है, आप सिर्फ उसी क्लास में उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं. आप ना तो उसकी सब क्लास में यूज कर सकते हैं, ना चाइल्ड क्लास, कहीं नहीं यूज करते. आप सिर्फ उसको जो उसकी मेन क्लास है उसी के अंदर यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल ले रखा है, मैंने पहले जो क्लास स्टूडेंट जिस पे अभी तक हम लोग काम करते आ रहे हैं, सेम वही क्लास है, उसमें मैंने ये एक प्राइवेट, ये एक मैंने पब्लिक वेरिएबल बनाया है, दैट इज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. ये एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाया है और ये मैंने एक यहाँ पर प्राइवेट वेरिएबल बनाया है. आई होप पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, आई होप आपको समझ में आया होगा. अब हम लोग चलते हैं अपनी क्लास से इन वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं. तो ये सब हमारा पुराना जो हम लोग पढ़ चुके वही सब चीजें, उन पर ध्यान नहीं देने की चीजें हैं. तो मैंने यहाँ पे क्लास का एक इंस्टेंस बना रखा है 1 और मैंने उसमें वैल्यू दे रखी मीना 10 और 1. तो यहाँ पे मैं आपको प्रोटेक्टेड क्लास जो है उसको एक्सेस करके दिखाती हूँ. प्रोटेक्टेड जो वेरिएबल बनाया, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, आफ्टर दैट 1 डॉट अंडर स्कोर प्रोट, जो हम लोगों ने ऊपर नाम लिख रखा था. और मैंने इसको रन किया तो हमारी प्रोटेक्टेड क्लास जो है वो यहाँ पे हमको रन हो गई और मैंने उसमें ऊपर 2 लिख रखा था, तो मुझे 2 यहाँ पे आउटपुट मिल गया. तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. अब आफ्टर दैट मैं यहाँ पे हमारी जो प्राइवेट क्लास है उसको रन करती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो मैंने यहाँ पे अपनी प्राइवेट क्लास को रन किया. अब ये देखिए, जैसे ही मैंने इस प्राइवेट क्लास को रन किया, जैसे मैंने प्रोटेक्टेड को रन किया था, सेम वे में मैंने प्राइवेट को रन किया, तो मुझे यहाँ एट्रीब्यूट एरर मिला. स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्राइवेट. सो इसका मतलब क्या है? सो बेसिकली ये एरर इसमें इसलिए शो होती है ताकि आप अपनी जो प्राइवेट क्लास है वो गलती से किसी और क्लास में यूज ना कर सके. तो इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं नेम मैंगलिंग. तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम लोग को जब भी प्राइवेट क्लास को अपनी एक्सेस करना होता है तो हम लोग प्रिंट 1
डॉट और यहाँ पर जो हमारी क्लास का नाम होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंडर स्कोर स्टूडेंट लिखा और फिर आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर अंडर स्कोर प्राइवेट लिखते हैं, मतलब जो भी हमने प्राइवेट वेरिएबल बनाया तो उसका जो भी नाम होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसको हम लोग जो यहाँ पे जो नाम लिखा है इसको हम लोग कहते हैं नेम मांगनी। इसका यूज ये होता है कि आप इसको इस तरीके से इसलिए लिखा जाता है ताकि हम गलती से अपना जो प्राइवेट वेरिएबल है उसको हम किसी दूसरे क्लास में ना यूज कर लें। सो यहाँ पे देखिए अब रन किया तो हमको ऊपर मैंने 100 दे रखा था उसमें स्टोर कर रखा था, तो मुझे यहाँ पर 100 मिला एज अ आउटपुट। सो आई होप आपको फिर वापस से समझ में आया होगा कि पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैं वापस रिवाइज कराती हूँ। पब्लिक वो होता है जिसको सब लोग यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट प्रोटेक्टेड वो होता है वेरिएबल जिसको कि सब क्लासेस या आपके जो चाइल्ड क्लास होती है सिर्फ वही यूज कर सकती है। और आफ्टर दैट प्राइवेट वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि आपके जो क्लास में आपने डिक्लेयर कर रखा है, जिस क्लास में आपने लिख रखा है, सिर्फ वही क्लास एक्सेस कर सकती है और कोई क्लास भी उसको एक्सेस नहीं कर सकती। और कोई गलती से आप किसी दूसरी क्लास में उसको यूज ना कर ले, इसलिए वहां पे हम लोग नेम मैंगलिंग का कॉन्सेप्ट लगता है, जिसमें कि हम लोग जो अंडर स्कोर करके हमारी जो क्लास का नेम है वो भी हम लोग वहां पर यूज करते हैं। सो आई होप मैंने आपको यहाँ पे एक ब्रीफ बताया कि पब्लिक प्रोटेक्ट और प्राइवेट क्लासेस क्या होती हैं और उनको हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम लोग लिखते हैं प्रोटेक्टेड क्लास को सिंगल अंडर स्कोर करके आगे जो भी आपको नाम लिखना है वेरिएबल का वो लिखते हैं, और प्राइवेट में डबल अंडर स्कोर होते हैं और आफ्टर दैट जो भी वेरिएबल का नाम लिखना है वो लिखते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं आपके पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट वेरिएबल से तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या वापस आप लोग इस वीडियो को एक बार जाके देख सकते हैं। मैंने काफी इजी वे में आपको पूरा समझाया है कि क्या चीजें होती हैं और कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।